अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए अंबर, जो हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ये तो हमें पूरी लाइफ गुजारनी है एक साथ। अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो ही अच्छी लाइफ गुजरेगी ना। I agree. तो फिर डील कि हम आइंदा ऐसे नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को स्पेस देंगे। मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं तेरे सिवा किसी और के आगे आंसू ना बहाऊं, ना किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचाना और मुझे अपनी औलाद की परवरिश करने में आसानी अता फरमाना। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं, इस तरह क्या हुआ, पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की
सुहाई कैसी है तेरी दुनिया दुहाई है दुहाई ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया दुहाई है दुहाई ईमान आपने अपना थीसिस सबमिट करवाने में इतनी देर क्यों कर दी सर वो एक्चुअली अचानक पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाज दिया तो थीसिस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकी मैं वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड नो इशू आई विल मैनेज मैं देख लेता हूँ थैंक यू सो मच सर सर मुझे आपसे एक बात करनी थी सर वो मैं किसी अच्छे इदारे के साथ काम करना चाह रही थी एज साइकोलॉजिस्ट तो सर मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आप मुझे कहीं रेफर कर सकते हैं ईमान आप अगर इस प्रोफेशन को बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो मैं आपको एक इदारे में रेफर कर देता हूँ लेकिन ईमान वहाँ आपको हर तरह के पेशेंट से वास्ता पड़ सकता है क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के पेशेंट्स को डील कर सकती हैं जी सर क्यों नहीं मैं आपको डॉक्टर रोहेल का नंबर दे देता हूँ आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो और इंटरव्यू के लिए चली जाओ आई होप यू विल बी कंसिडर्ड एंड सेलेक्टेड क्योंकि आप हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं Thank you so much, sir. You are welcome. Thank you. I should leave now. Best of luck, Iman. Allah Hafiz. अंबर बेटा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, मॉम. आजकल तो मुझे ऐसा लगता है, life is like honeymoon. हारिफ के प्यार और केयर ने मुझे और स्पेशल किया. ये तो बहुत अच्छी बात है. वैसे तुम लोग गए कहाँ कहाँ थे? पहले तो हमने पाकिस्तान एक्सप्लोर किया ओफ मॉम पाकिस्तान इज सो ब्यूटीफुल वेल आई डिडंट नो दिस देन वी वेंट टू टर्की एंड दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप मॉम लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उदास हो गए थे अंबर और हारिफ के बगैर काफी दिनों के बाद आए ना ये लोग इसलिए हनीमून पर भी काफी लेट गए थे ना और फिर हारिफ भी कहां टाइम निकाल रहा था जी बस माशाल्लाह काम को लेकर काफी सीरियस हो गया है हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लेकिन वो हमारी सोच से उलट निकला पहले तो बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसे और अब पूरा दफ्तर घर उठा कर ले आता है वेल डैड भी काफी इंप्रेस है हारिफ से बट मैं नहीं आई डोंट लाइक दिस कभी कभार मुझे लगता है कि मैं हारिफ से जेलस हो रही हूँ क्योंकि अब डैड उसको मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे कम ऑन बेटा ये सब कुछ भी तुम्हारी बदौलत है ये तो है लेकिन कभी कभार हारे काम की वजह से मुझे इग्नोर कर देता है और उसका मूड भी बहुत ऑफ रहता है कोई बात नहीं बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम दोनों की तरफ से खुशखबरी मिले हारिफ के टेंशन खुद ब खुद तुम्हारी तरफ हो जाएगी मिसेज अमान आपने तो कुछ भी नहीं लिया प्लीज कुछ लेना सीमान यस आइए प्लीज कम इन हैव अ सीट थैंक यू सो मच आपका सीवी मुझे मिल गया था मैंने देख भी लिया था लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी क्यों सर
Because you've been recommended by Dr. Saad. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. Actually, university में वो मेरे senior थे और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई. Oh, I see. Dr. Saad मेरे भी favorite teacher. So, Miss Iman, आपने graduation fashion designing में की और उसके बाद कुछ अरसा प्रैक्टिस भी की, तो फिर ये साइकोलॉजी की तरफ कैसे आ गई? वेल सर, एक बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ज़ारा की काउंसलिंग ने मुझे इस फील्ड की तरफ मुतवज्जा किया, इसलिए. ग्रेट इंस्पिरेशन. वैसे डॉक्टर साद मुझे बता ही रहे थे कि आप उनकी क्लास की सबसे ब्राइट स्टूडेंट हैं. एक्चुअली हमें हमारे हॉस्पिटल में कुछ फीमेल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फीमेल पेशेंट्स आती हैं और वो मेल डॉक्टर्स से अपने प्रॉब्लम्स उतने कंफर्टेबली शेयर नहीं कर पाते, सो इसलिए वी नीडेड गुड काउंसलर्स. और वैसे भी एक साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ एक अच्छा स्पीकर होता है बल्कि एक अच्छा लिसनर भी होता है, जो अपने पेशेंट्स की प्रॉब्लम को सुने, समझे और फिर उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करे. जी सर. सो डू यू थिंक यू कैन डू दिस? सर, इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट. ग्रेट. इनिशियली 2 months आप एक सीनियर डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग करें और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए विल हैव यू ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच सर. यू वेलकम. बाय द वे, यू कैन कॉल मी डॉक्टर रोहेल, अभी इतना भी सीनियर नहीं हुआ हूँ. और इस तरह एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आप मुझसे ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे. ओके डॉक्टर रोहेल. सो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू टुमारो. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ईमान बेटा, बहुत अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पर कितमान और खुशी सी महसूस हो रही है. कैसा रहा इंटरव्यू? आंटी, बहुत बहुत अच्छा रहा. आपको पता है उन्होंने मुझे कहीं से ज्वाइन करने के लिए कहा. अरे बाकी, ये तो बहुत खुशी की बात है. अब बस 2 महीने तक वो मुझे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मुझे वो जॉब पे रख लेंगे. आंटी, लेकिन लेकिन क्या? आंटी, हया भी बहुत छोटी है और इस तरह आपको उसे संभालने के लिए देना मेरे बगैर. देखो, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो. हया का दिल तुमसे ज्यादा मेरे साथ लगा रहता है. समझ लो, वो अपनी नानों के साथ सारा दिन रहेगी. तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन ऐसे अपनी सारी जिम्मेदारियां आप पे सौंपना मुझे ठीक नहीं लग रहा है. अरे बेटा, तकल्लुफात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. अब तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं. हया की सूरत में जैसे अल्लाह ने मुझे पोती या नवासी दे दी है, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? आपके इस तावन का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी. थैंक यू. तुम हया की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ. बहुत बदकिस्मत है हारिब जो तुम जैसी बहादुर और नेकसिक लड़की को यूं छोड़ गया. उसने एक बार पलट कर नहीं पूछा तुम किस हाल में कैसे अपनी बच्ची की परवरिश कर रही हो. कोई बात नहीं, और सच पूछें तो अब मेरे दिल में हारिब के लिए ना नफरत बची है और ना मोहब्बत. ऐसे जैसे उनके ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे. खैर, छोड़ इन बातों को. हया कहाँ है? सो रही है वो. अच्छा चलिए, मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलके खाते हैं. बैठे. हारिब, आई नीड टू टॉक टू यू. बोलो. आई नीड योर अटेंशन भी. यार बोलो, मैं तुम्हारी बात ही सुन रहा हूँ. आज मामा आई थी, चाय पे गपशप लग रही थी कि आंटी ने कोई अजीब ही बात कर दी. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ हमारे किसी बेबी का.
हाँ तो क्या हुआ? इट्स नॉर्मल, हर माँ की ख्वाहिश होती है। But it's too early, हारिब। और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मुझे प्रेशराइज करें। तो भाई तुम्हें प्रेशराइज कौन कर रहा है? मामा ने तो वैसे ही बात की होगी, इसमें इतना इशू क्रिएट करने की क्या बात है? तुम्हें पता ही है जब से नौशीन भाभी और जुनैद भाई की बेबी की डेथ हुई है उस वक्त से मामा बहुत अपसेट है। अच्छा तो अब इन सब चीजों की सजा मुझे मिलेगी? हाँ, do I have to compensate for this? आज एक बार मेंशन किया है, कल बार बार मेंशन करके मेरा दिमाग खाएंगी। And I don't like. Mind your language, Amber. तुम मेरी मामा के बारे में कैसी बातें कर रही हो? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इतना बड़ा और अच्छा घर यूं ही पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। यहाँ रहना तो ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा इस टॉपिक पे दोबारा बात मत करना। मेरे मौला है कैसी रुसवा।